मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश जोशी का अविस्मरणीय योगदान रहा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनके समकक्ष किसी जननेता का उभर पाना कतई संभव दिखाई नहीं देता। दरअसल श्री जोशी ने नीति और सिद्धांतों पर आधारित जनसेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनूठी तपोसाधना करते हुए राजनीतिक दृष्टि से सिद्धत्व को प्राप्त किया था। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर उनके सुपुत्र दीपक जोशी अपने पिता श्री कैलाश जोशी के जीवन काल में ही शुचिता और पवित्रता के भाव से राजनीति में उतरे। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के 3 बार सदस्य रहे एवं 1 बार राज्य मंत्री के पद की जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया। श्री दीपक जोशी के राजनीतिक तौर तरीकों में कैलाश जोशी की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देश प्रदेश के अधिकांश राजनेता एक प्रकार से श्री कैलाश जोशी को अपना आदर्श मानते रहे। जाहिर है कि उनकी पुण्याई का लाभ दीपक जोशी को भी मिला है। और इधर अब कैलाश जोशी के सुपुत्र जयवर्धन जोशी को मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि जयवर्धन जोशी अपने दादाजी एवं पिताजी से राजनीतिक संस्कार प्राप्त किए हैं। एक प्रकार से वे दोहरी दृष्टि से लाभान्वित हुए हैं। एक ओर तो उन्हें दादाजी की राजनीतिक पाठशाला में ज्ञान प्राप्त हुआ तो दूसरी ओर पिताजी की सीख और नसीहत उनके साथ है। ऐसे में उनको राजनीतिक संस्कारों की दृष्टि से मालामाल मान लिया जाना चाहिए। इस प्रकार कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि कैलाश जोशी ने जिस उच्च स्तरीय आदर्शों को आत्मसात किया है उन्हें उनके पुत्र दीपक जोशी ने भी आत्मसात किया और अब तीसरी पीढ़ी के जयवर्धन जोशी भी इस श्रृंखला का अंग बन गए हैं। वैसे जोशी परिवार के निजी सूत्र बताते हैं कि जिस प्रकार बचपन से ही दीपक जोशी में राजनीतिक संस्कार देखे गए ठीक उसी प्रकार जयवर्धन के बचपन में राजनीतिक गुण पाए गए। दरअसल जयवर्धन जोशी के लिए परिस्थितियां आसान नहीं कही जा सकती है, लेकिन देखना होगा कि दादाजी और पिताजी के संस्कारों से परिपूर्ण उनमें कितना आत्मबल प्रकट होता है। फिर भी हमें आशा करना चाहिए कि संस्कारों की दौलत से मालामाल जयवर्धन जोशी भी अपने दादाजी और पिताजी की राजनीतिक परंपरा के अनुरूप राजनीति में शुचिता और पवित्रता के भाव आत्मसात करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर ही उन्हें आश्वासित सफलता प्राप्त हो सकती है।